जी डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर पढ़ने लगे हैं। आज हमारा एडमैथ्स का जो टॉपिक है वो है मॉडुलस ग्राफ। मॉडुलस ग्राफ जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स, वो ये है कि देखिए, इसमें सबसे पहले हम एक डेफिनेशन, मोड की डेफिनेशन पढ़नी है कि अगर मॉडुलस साइन के अंदर कोई भी नंबर हो, तो इफ ये मॉडुलस हो इसके अंदर, तो ये प्लस का साइन लेके आएगा, जैसा था वैसा निकल जाएगा इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि जो ग्राफ के अंदर है वही। इसी तरीके से इफ ये मोड के अंदर हो, अगर माइनस का साइन बाहर लेकर आए तो क्या होगा, वो ये होगा अगर वो लेसर देन जीरो हो तो वो नेगेटिव साइन लेकर आएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें हम यही डेफिनेशन चलाएंगे। सो मोड का मतलब होता है कोई भी नंबर बाहर आने वाला है तो वो नेगेटिव नहीं होगा। जैसे अगर ये फाइव मोड के अंदर है, ठीक है, तो फाइव मोड के अंदर आ रहा है तो फाइव ही आएगा बाहर, लेकिन अगर नेगेटिव के अंदर, मोड के अंदर नेगेटिव है तो ये एक नेगेटिव साइन लेकर आएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का साइन। आइए जरा इन चीजों को थोड़ा सा और करते हैं। ये किस तरीके से आगे मजीद हम बढ़ेंगे तो वो देखते हैं जरा। ये डेफिनेशन आपने दिन में रख ली। आइए इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो अगर मुझे कोई ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू मॉडुलस x, अगर मुझे ये ग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस ग्राफ को बनाने के लिए मुझे ये काम करना है कि आप सबको पता है कि y इज इक्वल टू x का ग्राफ क्या बनता है। y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनता है ऐसे, राइट। अब यहां पे लगा हुआ है आगे c, तो इसका मतलब है y, अगर आपको ये याद हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये c जीरो है, यहां पर ये जीरो है, तो इसका मतलब है y एक्सिस पे ये ग्राफ जो है y एक्सिस जीरो पे कट कर रहा है, तो जीरो यहां पर है। लेकिन इसकी में डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन ये है कि इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दो कंडीशन है, पहली कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन मैंने ये लिखवाई कि इफ एक्स लेसर देन जीरो। तो अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स की इक्वेशन बनी हुई है, तो मुझे बताइए एक्स ग्रेटर देन जीरो यहां से आगे जा रहा है, तो ये वाला पार्ट मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, ठीक है, ये वाला पार्ट मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। और दूसरी बात कि ये कब होगा, जब ये पॉजिटिव साइन लेकर आएगा मॉडुलस का, जैसे y इज इक्वल टू एक्स होगा अगर ये हो, लेकिन y इज इक्वल टू नेगेटिव साइन लेकर आएगा मॉडुलस से बाहर जब वो लेसर देन जीरो होगा। तो आपको पता है y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स की लाइन कैसे बनती है, y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स, तो वो हमें पता है y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स की लाइन ये बनती है। लेकिन आप यहां पर ये देखें, जब मैंने ये बनाई y इज इक्वल नेगेटिव एक्स, तो ये लिखा हुआ x लेसर देन जीरो होना चाहिए, तो x लेसर देन जीरो यहां से होता है, तो ये वाला पार्ट हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास v, अप राइट v बनेगा, ये अप राइट v शेप, ये मेरे पास अप राइट v शेप्ड बन जाएगी, ठीक है। और अगर इसी का मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं इसको, y इज इक्वल टू नेगेटिव मॉडुलस x, याद रखें यहां पर प्लस का साइन है तो ये अपराइट भी बनेगा, मॉडुलस से पहले प्लस लगाओ तो अपराइट भी, और मॉडुलस से पहले अगर नेगेटिव लगा हो तो ये नीचे आ जाएगा, इसका नीचे शेप आ जाएगा। तो ये जरा मैं इसको, ये आपको समझ आया, अब इसको मैं बना के दिखाता हूं ये कैसे बनेगा। तो यहां पर देख लीजिए, इस सवाल को चेंज कर दिया मैंने, यहां पर मैंने नेगेटिव कर दिया। अब इसकी दो कंडीशन बना लेते हैं, पहले ये एज इट इज बाहर निकल के आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और अगर ये नेगेटिव लेकर आएगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव एक्स इफ एक्स लेसर देन जीरो।
अब ये कंडीशन बन गई। तो अब y इज इक्वल टू नेगेटिव x का अगर आप जरा देखिए, y इज इक्वल टू y और x। अब यहां पर y इज इक्वल टू नेगेटिव x की इक्वेशन आपको मालूम है कैसे मिलती है, ये देखें y इज इक्वल टू, ये बाहर एज इट इज आएगा, तो y इज इक्वल टू नेगेटिव x का बनाना है हमें, तो वो आपको पता है कैसे बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा, नीचे स्लोप नीचे आ रहा है, नेगेटिव है। अब यहां कंस्ट्रेंट लगा हुआ है कि ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो ये होता है, ये तो नेगेटिव होता है, तो इस पार्ट को हम छोड़ देंगे। दूसरा वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, तो वो ये बनता है, वो हम कर चुके हैं पहले, लेकिन यहां कंस्ट्रेंट लगा हुआ है एक्स लेसर देन जीरो होना चाहिए, तो लेसर देन जीरो यहां होता है, इसको काट देंगे तो ये बन जाएगा। तो यू समझ लें कि अब वाई इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स का ग्राफ ये जो बना है वो उसी का उल्टा हो जाता है, जैसे y इज इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ, y इज इक्वल टू नेगेटिव मॉडुलस x का ग्राफ, यहां पॉजिटिव था तो अपर राइट भी था, और जब ये नेगेटिव आया तो वही शेप उल्टी हो गई, वो नीचे आ जाएगी इस तरीके से आ जाएगी, यानी यू समझे कि ये जो ग्राफ बना है वो नेगेटिव मॉडुलस x का है, और अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूं तो ये y इज इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ है। फर्क नेगेटिव का है, नेगेटिव उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, आगे लिखा हुआ प्लस जीरो, इसका मतलब है ये वाई एक्सिस को जीरो पे ही इंटरसेक्ट करने वाला है। आइए कुछ और इसकी एग्जांपल करते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं और आपको बताता हूं, डेफिनेशन वही है, तो जरा आगे इसको बढ़ाता हूं मैं, तो आगे ये कैसे होगा जरा ये देखिए, वाई इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब इसका अगर आप देखें ये वाई इंटरसेप्ट तो थ्री मिल रहा है हमें, और कंडीशन हमने वही चलानी है, क्या कंडीशन ये चलानी है कि एज इट इज निकल कर आएगा, ये जैसा था वैसा निकल आएगा, x प्लस थ्री बन जाएगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और अगर ये नेगेटिव लेकर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेकर आएगा, तो ये नेगेटिव x प्लस थ्री, ये प्लस थ्री बाहर है इसलिए इधर साइन चेंज नहीं होगा, इफ x लेसर देन जीरो। जरा देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब अगर आप गौर से देखें तो ये x प्लस थ्री है, अगर आप कोऑर्डिनेट से करना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट से भी ये सवाल सॉल्व हो जाता है, कोऑर्डिनेट से भी ये सवाल सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर आप सिंपल यू देखें कि y इंटरसेप्ट थ्री है तो ये थ्री से कट करेगी, तो ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो लाइन यू जा रही है, लाइन यू जा रही है, ये देखें क्योंकि y इंटरसेप्ट थ्री है तो मैंने लिखा यहां पर थ्री, दूसरे लफ्जों में यू देखिए अगर x की वैल्यू में जीरो पुट करूं तो y की वैल्यू थ्री आ जाएगी, तो ये देखें y की वैल्यू थ्री आ गई, यानी कि u जीरो पुट किया तो x की वैल्यू थ्री आ गई, u भी लिख सकते हैं आप, और अगर मैं y की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो x की वैल्यू नेगेटिव थ्री आ जाएगी, तो यहां पर नेगेटिव थ्री कॉमा जीरो, इस तरीके से भी आप लाइन बना सकते हैं, लेकिन ये लगा हुआ है यहां पर कि x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन जीरो कैसे होगा, क्योंकि x यहां पर जीरो है तो इससे आगे होगा, तो ये वाला मेरा पार्ट जो है ये डिस्कार्ड हो जाएगा, इसको मैं नहीं रखूंगा अपने पास। दूसरी लाइन नेगेटिव x प्लस थ्री, अब मैं x जीरो पुट करता हूं तब भी y यही आने वाला है, और अगर मैं y जीरो पुट करता हूं तो x इधर आके पॉजिटिव है, देखो x थ्री आ जाएगा, तो यहां तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, कुछ नेगेटिव है तो स्लोप नीचे आ रहा है, और अगर देखें मैंने y की वैल्यू जीरो पुट कर दी तो y x एक्सिस पे जीरो होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई थ्री, तो ये देखें जीरो कॉमा थ्री। अब चूंकि कंसेंट ये लगा हुआ है कि x जीरो से छोटा होना चाहिए, तो जीरो से छोटा इधर होगा, तो ये वाला पार्ट मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, तो ये मेरा ग्राफ बन जाएगा। अब अगर पैटर्न को हम गौर करें तो y इज इक्वल टू मॉडुलस x के ग्राफ में u बना रहा था, अब इधर मैं अगर मैं प्लस टू लगाता हूं या प्लस थ्री लगाता हूं तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये थ्री से, और अगर मैं यहां पर नेगेटिव थ्री लगा देता हूं तो ये यहां से नेगेटिव थ्री से यहां से ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। इसी पैटर्न पर गौर करें और एक और चीज जरा गौर से देखें कि अगर मैं यू कर देता इस ग्राफ को y इज इक्वल टू नेगेटिव मॉडुलस x प्लस का थ्री, आप खुद सोचें क्या होगा, ये नेगेटिव मॉडुलस से पहले लगा हुआ, इसका मतलब है कि ये ग्राफ यहीं से नीचे आ जाएगा, और अगर ये ग्राफ y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस थ्री है तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये वाला ये बनेगा y इज इक्वल टू नेगेटिव मॉडुलस x प्लस का थ्री बन जाएगा। मैंने नेगेटिव का मतलब यह जो पीछे अगर पॉजिटिव है तो अपर राइट भी बनेगा, और अगर नहीं है तो उसी का वो उल्टा होकर वो नीचे आ जाएगा, तो ये स्टूडेंट ये है। अब थोड़ी सी और वेरिएशन जरा इसमें देखते हैं,
तो उसके बाद आपको इसका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी वेरिएशन अभी बाकी है इसमें, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। फर्ज करें y इज इक्वल टू x माइनस टू, ये दिया हुआ है। अब आप जरा गौर से देखते हैं यहां पे क्या लगा हुआ है, जीरो, यहां पे जीरो लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो पे कट करने वाला है। तो अब कंडीशन बनाइए x, ये जैसा था वैसे निकल कर आएगा, तो x प्लस टू ही रह जाएगा, ठीक है, जैसा था वैसे निकल कर आया, पॉजिटिव था। इफ अब जो अंदर है इसके वो यहां आएगा, कंडीशन यहां लग जाएगी, x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो मॉडुलस में होता है उसी पे कंडीशन चलती है। मॉडुलस में x माइनस टू, तो मैं यहां x माइनस टू लिखूंगा, पहले मॉडुलस के अंदर आ रहा था x, तो मैं कंडीशन बना रहा था जैसा था वैसा ही निकल कर आया इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि मॉडुलस के अंदर सिर्फ x था। अब मॉडुलस के अंदर x माइनस टू आ गया तो वो कंडीशन मॉडुलस के अंदर जो है वो चलेगी, और अगर ये नेगेटिव हो तो क्या होगा, अगर नेगेटिव साइन लेकर आए तो नेगेटिव x, और फिर ये प्लस का टू बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन तो प्लस का टू बने कब, इफ x माइनस माइनस टू, सॉरी ये माइनस टू है तो यहां पर मैं माइनस टू लगाऊंगा, माइनस टू लेसर देन जीरो। अब ग्राफ बना लें इसका और देखें कि क्या वेरिएशन आती है इसमें, स्केच करते हैं इसको। ये आपको मालूम है कि ये ग्राफ x प्लस टू है, मैं बता चुका हूं ये y इंटरसेप्ट है, तो y इंटरसेप्ट में यहां पे आ गया है टू, तो इसका मतलब है यहां पे टू पे कट कर रहा है और ग्रेडियंट चल रहा है पॉजिटिव का, तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी। दूसरे लफ्जों में आप यूं कहें x की वैल्यू जीरो पुट करो तो y की वैल्यू टू आ जाएगी, और अगर मैं x की y की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो x की वैल्यू नेगेटिव टू आ जाएगी, तो ये यूं हो जाएगा नेगेटिव टू मुलोमा जीरो। अब यहां कंसेंट लगा हुआ है कि x जो है माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, इसको कन्वर्ट चेंज करें, x कितना होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो x टू से बड़ा होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर आपको ये देखना है ये कंडीशन के x ग्रेटर देन टू, तो x ग्रेटर देन टू कहां पे होगा, तो x ग्रेटर देन टू हमें यहां पे कहीं मिल रहा होगा, इधर करके ऐसे मिल रहा है, तो टू यहां पे x हमें मिल रहा है टू, तो लेकिन y इंटरसेप्ट तो जीरो ही है, तो मुझे बताइए टू है और कॉमा जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट यहां पहुंचेगा और एक्स की वैल्यू यहां पर मैंने माइनस टू है, तो ये वाई, तो वाई इंटरसेप्ट तो हमें जीरो ही मिलेगा, वाई इंटरसेप्ट हमें जीरो मिल रहा है लेकिन एक्स माइनस टू है, तो ये वाली कंडीशन हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे होगा, आइए जरा इसको थोड़ा सा क्लियर करके सीखते हैं कि कैसे होगा ये, और मैं इसको ये बताना चाहता हूं कि ये किस तरीके से हम करेंगे। जी स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए हमारे से ये गलती हुई, ये माइनस है तो यहां माइनस का साइन आएगा, पहले हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, जरा इसको करेक्ट कर लेते हैं दोबारा, यहां माइनस है तो ये माइनस ही रहा, ठीक है, और ये माइनस जब लेके आएगा तो माइनस एक्स प्लस का टू बन जाएगा, ठीक है। और अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये किस तरीके से होगा, y और x, ये देखिए ये x माइनस टू है, ठीक है, x माइनस टू का ग्राफ, तो आपको मालूम है y इंटरसेप्ट माइनस टू है, तो माइनस टू है यहां पे होगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा क्योंकि ग्रेडियंट पॉजिटिव चल रहा है। दूसरे लफ्जों में समझ लीजिए कि x की वैल्यू को मैं जीरो पुट करूं तो y की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी, जीरो कॉमा माइनस टू, और अगर मैं y की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू टू आ जाएगी तो यहां पे हो जाएगा टू कॉमा जीरो, इस तरह भी समझ के लाइन बना सकते हैं। अब ये लाइन बन गई लेकिन कंसेंट लगा हुआ है x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, तो हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो ये टू यहां पर है तो ये आगे जाएगा, टू से आगे जा रहा है तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। अब दूसरा ग्रेडियंट नेगेटिव है तो लाइन नीचे आ रही है, लेकिन y इंटरसेप्ट अब की बात पॉजिटिव टू है, तो अब इसको पॉजिटिव टू से यहां पे कर दें पॉजिटिव टू, क्योंकि y इंटरसेप्ट पॉजिटिव टू आ रहा है लेकिन लाइन नीचे जाएगी, लाइन नीचे जा रही है लेकिन कहा जा रहा है कि अब यहां से ये कंडीशन लगेगी x माइनस टू लेसर देन जीरो, तो x ग्रेट x लेसर देन माइनस का टू, तो ये लिखा हुआ यहां पर ये वहां पर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि x 2 से कम होना चाहिए, तो 2 से कम इधर है इस तरफ है, तो ये यहां पर हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे,
इस लाइन को बनाने के लिए दूसरा पॉइंट आप जैसे हमने एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो तो वाई की वैल्यू टू आ जाएगी, तो जीरो कॉमा टू, और अगर मैं वाई जीरो पुट करूंगा तो एक्स टू आ जाएगा, तो वाई जीरो पुट किया तो एक्स टू आ गया। देखा दोनों का कॉमन हमें यही मिला। ये याद रखिए कि अगर वाई इंटरसेप्ट जीरो होगा तो हमेशा याद रखिए लाइन इसी के ऊपर ही कहीं बन रहा होगा, ठीक है। तो ये बन गया ग्राफ वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का ग्राफ। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ ये वाला ग्राफ बना करेंगे पैटर्न से वाई इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स माइनस टू, अब सोचने की जरूरत नहीं है, ये ग्राफ यहीं से इस तरीके से बन जाएगा। वाई क्यों? क्योंकि मॉडुलस से पहले नेगेटिव लगा हुआ, तो नेगेटिव एक्स माइनस टू। ये स्टूडेंट्स इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा। ये वेरिएशन आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और इसके अंदर मैं चेंज करता हूं तो देखते हैं कि किस तरीके से सवाल होगा। तो अब आइए जरा इसको मैं मजीद और आपको सही करके दिखाता हूं। एक और y, एक और सवाल लेते हैं। y इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ एक्स प्लस माइनस का वन और कुछ भी नहीं आ गई। अब देखिए डायरेक्ट कंडीशन चलाते हैं, ये तो इसी पे होने वाला है। डायरेक्ट कंडीशन चलाते हैं, अब आपको इतना पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। अब इसका मतलब ये होगा कि ये कहीं एक्स एक्सिस पे ही होने वाला है। तो ये जो अंदर मॉडुलस के अंदर है, ये मॉडुलस के अंदर है जो साइन है हमारे पास, ये मैंने आपको बताया था कि ये यहां पर एक्स अपॉन टू माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एज इट इज आया। लेकिन जब एज इट इज आने में ये देखिए पीछे माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये देखिए ये इसको किस तरीके से चेंज करेगा। जरा देखिए अगर एज इट इज था तो ये निकल कर आएगा, ये एज इट इज निकल कर आएगा, तो जैसे ही एज इट इज निकल कर आएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस एक्स अपॉन टू, ठीक है, प्लस का वन, ये बन जाएगा मेरे पास वाई। ये बनानी इक्वेशन, और इस पर कंसेंट क्या लगा होगा एक्स जो कुछ यहां पर है अपॉन टू माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि जैसा था वैसा ही निकल कर आया। लेकिन सॉरी जैसा था वैसे ही निकल कर आएगा तो ये जो साइन है ये तो बाहर एज इट इज आया, पीछे माइनस लगा हुआ था तो माइनस ने इनको चेंज कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इस कंडीशन का ग्राफ बना लेते हैं। अब आप बताइए मुझे कि इसका ग्राफ क्या बनेगा जो अंदर बना हुआ है, अंदर जो बना हुआ है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका है तो वाई इंटरसेप्ट जीरो, तो इसको हम ले लेंगे एक्स इज इसको जीरो के इक्वेट अगर मैं कर दूं एक्स अपॉन टू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये बन जाए मेरे पास मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू, तो एक्स इज इक्वल टू टू आ जाएगा मेरे पास। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है टू कोमा, ये यहां पर मुझे मिल रहा है टू कोमा जीरो पे मिल रहा है, एक्स की भी वैल्यू आ गई और जीरो की भी आ गई, तो एक्स आ रहा है टू, तो टू कोमा जीरो यहां पर मुझे ये वाला पॉइंट मुझे यहां पर मिल गया, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, इसको मैंने जीरो के इक्वेट क्यों किया, क्योंकि ये अपने ओरिजिन से चलेगा, ये पार्ट अपने ओरिजिन से चलेगा और जो कंस्ट्रेंट लगा होता है वो वहीं से बता रहा था कितना दूर है, इसीलिए मैंने इसको जीरो के इक्वेट कर दिया। अब ये लाइन आपको पता है कि ग्रेडियंट यहां पर पॉजिटिव चल रहा है, तो आप इसको पॉजिटिव ग्रेडियंट ले ले और यहां पर इसको इस तरीके से करके एक्सपेंड कर, लाइन को एक्सटेंड कर, ये समझ लेंगे ये टू कॉमा जीरो है। अब ये कंस्ट्रेंट क्या लगा हुआ है कि ये आप जरा गौर से देखिए, कंसेंट ये लगा हुआ है कि इसको मैं वहां ले जाता हूं तो जिस तरीके से मैंने ये x2 निकाला है, इस तरीके से मैं इसकी इनइक्वालिटी भी निकाल सकता हूं, x अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल टू ये 1 हो जाएगा वहां जाके, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा इधर है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। अब अगर दूसरी कंडीशन लगाता हूं जरा देखिए, y इज इक्वल टू, अब नेगेटिव साइन लेकर आएगा, जब ये अपना नेगेटिव साइन लेकर आएगा, ये तो अपना पॉजिटिव लेकर आ रहा था, अब ये अपना नेगेटिव साइन लेके आ रहा है लेकिन पीछे भी नेगेटिव लगा हुआ है, तो जब अपना नेगेटिव साइन लेकर आएगा यही चीज अपना नेगेटिव साइन के साथ आएगी, तो ये जो नेगेटिव बाहर लगा ये अंदर वाले को पॉजिटिव कर देगा। जैसे अभी मैंने सवाल कराया था माइनस एक्स माइनस थ्री, अब जब ये पॉजिटिव लेके आ रहा है तो माइनस तो इसके पीछे ही पड़ा हुआ है, तो ये एज इट इज रहेगा, तो माइनस एक्स प्लस थ्री बन जाएगा, ये एज इट इज आया। लेकिन अब की बार अगर बिलफर्ज ये नेगेटिव साइन लेकर आए तो ये नेगेटिव खुद क्या होगा, ये अपना तो ये नेगेटिव लेके अगर आ रहा है
तो ये माइनस एक्स प्लस का थ्री बन जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो ये एक्स माइनस थ्री बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर ये खुद आएगा तो इस तरीके से आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन लेकर आए तो माइनस एक्स प्लस थ्री और पीछे माइनस लगा हुआ है तो वो माइनस इनको कर देगा, दोबारा चेंज कर देगा तो ये एक्स माइनस थ्री रह जाएगा। इसी तरीके से ये वाला ग्राफ आप देखें, एक्स अपॉन टू प्लस का वन, तो एक्स अपॉन टू माइनस वन एज इट इज था, लेकिन अब की बार ये माइनस का साइन अगर लेकर आए तो मैं वैसे ही अगर मैं माइनस का साइन लेकर आऊं तो माइनस एक्स अपॉन टू प्लस का वन, और अगर आप साइन चेंज करते हो एक्स अपॉन टू माइनस का वन, अब ये बन जाएगा। अब माइनस वन पे कट करेगा इसको, जरा देखिए अब इसका जो ग्राफ है ये यहां पर, अभी तो मैंने इसका निकाला 2.0 इस लाइन को, मैंने इसको डिस्कार्ड इसलिए किया कि कंडीशन लगी हुई थी 2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन जब मैं ये कंडीशन लगी तो अब कंडीशन क्या लगेगी हमारी, कंडीशन ये लगेगी इफ एक्स, ये वाला पूरा पार्ट मैं यहां लिख देता हूं, एक्स अपॉन टू माइनस वन लेसर देन जीरो, एक्स अपॉन टू ये वन, एक्स लेसर देन टू होना चाहिए, टू से कम होना चाहिए, यहां टू से ग्रेटर आ रहा था, यहां टू से कम आ रहा होगा, और जैसे टू से अगर ये कम आ रहा है तो इस वाले ग्राफ को अगर मैं बनाऊं तो जरा आप देखें कि ये माइनस का साइन लेकर आया तो माइनस एक्स अपॉन टू प्लस वन हुआ, फिर माइनस मॉडुलस का साइन बाहर लगा हुआ है तो मॉडुलस का साइन क्या करेगा, इसको मॉडुलस का साइन माइनस का प्लस कर देगा और प्लस माइनस माइनस कर देगा एक्स अपॉन टू। तो यहां पर अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं तो ये ग्राफ कहां पे कट कर रहा है, इसको माइनस वन पे, और ये ग्रेडियंट यहां पे लगा हुआ है। आइए इसको मजीद एक अच्छे तरीके से मैं और बता दूं आपको कि जो मैंने यहां पर कराई है कि ये किस तरीके से होगा, तो इसको मैं और सही तरीके से मैं करवा रहा हूं। जी स्टूडेंट्स, जरा देखिए इसको सही तरीके से, मजीद हम इसको एलिब्रेट करते हैं। जो मैंने पहली का एग्जांपल आपको करवाई थी वो किस तरीके से हो रहा है कि मॉडुलस से पीछे नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब, और ये है जीरो यहां पर, तो इसका मतलब ये कि समवेयर एक्स एक्सिस पे ये क्या होगा, एक्स एक्सिस जीरो भी कट कर रहा होगा, लेकिन जो इसका एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एक्स अपॉन टू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू टू। इसका मतलब ये है कि ये 2.0 पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीछे निकले हुए, पीछे लिखा हुआ है नेगेटिव, तो इसका मतलब है ग्राफ कुछ इन्वर्टेड बनने वाला है, ऐसे करके बन जाएगा ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। अब अगर आप इसकी इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो ये लाइन ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो ये यू जाएगी और एक लाइन यू जा रही होगी ऐसे करके, तो बात ये एक लाइन आपने यू बनाई और एक लाइन ये यू बनाई नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव की लाइन थी, उन्होंने उसको बोला कि एक्स टू से बड़ा होना चाहिए, कंडीशन क्या है, एक्स अपॉन टू माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो ये टू से बड़ा होना चाहिए, तो एक्स टू से बड़ा कहाँ होगा, इधर होगा, टू से बड़ा इधर होगा, तो इधर तो टू से छोटा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इस लाइन के लिए टू बड़ा लिया, ये वाली लाइन के लिए टू बड़ा लिया हुआ, देखें ये वाली लाइन बनाई तो एक्स टू से बड़ा होना चाहिए, तो टू से बड़ा इधर होगा, नेगेटिव के साइन के साथ खुल जाएगी, तो मैं इस लाइन को डिस्कार्ड कर दूंगा, और यहां पे लिखा हुआ है कि एक्स टू से छोटा होना चाहिए। अगर मैं दूसरी एग्जांपल लूं इसकी, एक्स अपॉन टू माइनस वन लेसर देन जीरो, एक्स लेसर देन टू, तो लेसर देन टू कहां होगा, इधर होगा, तो इस तरह, इस वजह से ये वाली लाइन जो जा रही थी हमारे पास यूं करके, तो मैं पीछे नहीं, पीछे चला जाऊंगा, क्योंकि यहां लेसर देन टू है और यहां पर ग्रेटर देन है, तो ये वाली कंडीशन अगर आप डायरेक्ट चलाना चाहते हैं तो यहां से पता चलता है 1/x 2.0 पे होगा और ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट हम बाद में निकालना सीखेंगे कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। आइए एक आखिरी एग्जांपल और करते हैं और फिर इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। वाई इज इक्वल टू, अगर मैंने लगाया हुआ है यहां पर 3x माइनस 9 और यहां पर लिखा हुआ है 1। अब जरा आप गौर से देखें तो यहां से आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, y को तो 1 पे कट करेगा, ये डायरेक्ट बनाना होगा ग्राफ, सोचने की भी जरूरत नहीं है, और x की वैल्यू क्या आएगी, 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 9 0, और अगर मैं यहां से निकालता हूं 3x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 3,
तो ये बन जाएगा 3.1, ये चला जाएगा 3.1, तो 3x का यहाँ है और y का 1 यहाँ पर है। तो अगर मैं इसकी लाइन बनाना चाहता हूँ, ग्रेडियंट पॉजिटिव चल रहा है, तो आप जरा देखें कि कुछ लाइन इस तरह से बनेगी, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगा हुआ होगा कि 3x-9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप निकालें ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ये मैं डिस्कार्ड कर दूंगा कि ये 3 से कम है, और अगर ये नेगेटिव साइन लेकर आता है तो फिर ये लाइन नेगेटिव हो जाएगी, और इस तरीके से y पॉजिटिव यहां से लाइन चली जाएगी, u जाएगी बिल्कुल। तो ये तो मेरा मिला 3.1, क्योंकि ये 1 है, y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आप इसमें कंसर्न ये लगा हुआ है कि 3x-9 <0, तो एक्स लेसर देन 3 हो जाएगा, तो x 3 से कम कहां होगा, एजर होगा, तो मैं इस चीज को डिस्कार्ड कर दूंगा। तो ये मेरा ग्राफ बन जाएगा। अब इसी को देखिए, अगर ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ हो, y इज इक्वल टू नेगेटिव 3x-9 प्लस का 1, ये पीछे लगा हुआ नेगेटिव, बस ये ग्राफ उल्टा v बन जाएगा, ये अपर राइट था, ये इन्वर्टेड v है। तो डियर स्टूडेंट, ये है कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने मॉडुलस की कराई। अगली क्लास में, अगली वीडियो में मजीद और हम देखेंगे मॉडुलस की वीडियोस। जब तक के लिए हमारे चैनल, मेरा यूट्यूब पे चैनल है बाबर रहमान, इसको सर्च करें, अपने दोस्तों को बताएं और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।